नमस्कार, कैसे हैं सरकार? प्यारे दर्शकों, हमारे बहुत सारे साथी, युवा साथी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके अंदर एक ललक रहती है, उनके अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं भी समाज की सेवा करूं। इस ललक के साथ वो बहुत सारी साधनाएं करते हैं। साधनाओं में बस एक बात सुनने को मिलती कि मैंने फलां गुरुजी के यहां से साधना की, अनुभव हुआ। मैंने ये किया, अनुभव हुआ। मैंने वो किया, अनुभव हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लाइफ अनुभव के लिए नहीं है, ये लाइफ मंत्र में, तंत्र में, साधना में, फाइनली के लिए है कि जो कुछ हो, प्रत्यक्ष हो, सत्य हो, असत्य हो, सम्मुख हो। अनुभव तो लेना हो तो कोई फिल्म का गाना ले लो, 8-10 लाइन का अंतरा मुखड़ा ले लो एक, और कोई माला के साथ जाओ, पीपल के नीचे जाप करो, उसमें भी अनुभव दिख जाएगा। ठीक है, तो ये अनुभव तो आप कोई भी शब्द, एक समय काल होता है, हर काल में चौगड़िया जो होती है 24 घड़ी की, उसके अंदर कुछ ना कुछ पराशक्तियों का अलग अलग जगह पर एक्शन रिएक्शन होता रहता है। तो अनुभव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आज के इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो आप जो समाज सेवा की भावना रख रहे हैं वो निश्चित रूप से जरूर पूर्ण होगी और लोगों को लाभ पहुंचेगा। नाइफ, जिसे बोलते हैं चाकू, चक्कू, छुरी, दोस्तों तंत्र जगत में इसका बड़ा महत्व रहा, किसी चीज को काटने में, उतारने में, डैमेज करने में छुरी, चाकू या नाइफ का सहारा युग युग से लिया जा रहा। आज इसी विषय पर हम आपको बहुत अच्छा प्रयोग बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या आप होली, दिवाली, दशहरा को भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक नया चाकू लेना है, यानी चाकू लेना है नया। ठीक है, नया चाकू लेने के बाद उस चाकू पर आप तुलसी होती है, तुलसी का थोड़ा सा रस पत्तियों को कुचलकर, मसलकर ऐसे लगा देना। तुलसी कौन सी? जिस तुलसी के नीचे स्वयं के पत्ते अपने आप गिर गए हैं, वो पत्ते थोड़ा सा ऐसे मसल लेना, ऐसे लगा देना। ठीक है, ये जब भी करें रात को करना है, 10 बजे के बाद कोई भी पर्व में। अब एक बड़ा दीपक जलाना है, बड़ा हो, सरसों का तेल भर देना, और इस उसके अंदर ये नाइफ, बहुत बड़ी मत लेना, छोटी से लेना, सब्जी काटने वाला, ये नाइफ चक्कू को, छुरी को उसके अंदर डाल दें, रुई की बाती जलाएं, दीपक जला दें। जलाने के बाद काले आसन पर निवस्त्र होकर अनामिका उंगली का 2 बूंद खून उस चक्कू पर या उस तेल में लगा दें, और भैरव जी का ये मंत्र जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस मंत्र को आप रुद्राक्ष, काले रुद्राक्ष की माला से 3 माला जाप करना है, और 1 माला जाप करके गूगल होता है, गूगल मिलता है हवन करने वाला, गूगल, काला तिल, काला उड़द मिक्स करके अग्नि में आम की लकड़ी पर आहुति 108 बार दे देना है। एक मंत्र पढ़े, एक मंत्र बहुत बड़ा नहीं, घबराइए नहीं। उसके बाद इस चाकू को उसी के अंदर पड़े रहने देना, जब तक दीपक जले उसी के अंदर पड़े रहो, 1 दिन जले, 2 दिन जले, 24 घंटा चले, 2 घंटा चले, 2.5 घंटा जले, जलने दो। उसके बाद आप ये छुरी निकाल दीजिए। कैसा भी तंत्र किया हुआ, वो चाहे दुकान हो, मकान हो, व्यक्ति हो, जिसके सर पर से एक नींबू और चाकू लेके ऐसे उतार के इसी मंत्र पढ़ के एक बार में काट देंगे, रगड़ के काट देंगे, वो तत्काल कट जाएगा। पानी पर पड़कर ऐसे काटते हुए किसी को दे देंगे, दर्द, पीड़ा, भूत प्रेत तत्काल शांत होगा। किसी की दुकान बांध दी गई, दुकान पर उसको चाकू ले जाएं और एक कटोरी में पानी दुकान के बीच में रखकर 11 बार ऐसे क्रॉस क्रॉस, जैसे गुणा का निशान होता, मंत्र पढ़कर फूंक दें और काटते चले जाएं, वो पानी कहीं दूर डाल दें, दुकान तुरंत खुल जाएगी।
मकान पे कोई बाधा हो तो 5 शिव मंदिर का पानी लाकर उस पर इसको 108 बार पढ़कर एक बोतल पानी दे दो अपने घर में, 21 दिन छिड़के समस्त प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। जिसको बहुत डर लगता हो इसी मंत्र को एक काले धागे पे 7 बार ऐसे छुआ कर 7 गांठ मार दीजिए और पहना दीजिए, उसको डर खत्म हो जाएगी। यानी आप जो भी काम करना चाहें मंत्र से चमत्कारी प्रयोग से कर सकते हैं और तत्काल इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपको बहुत समय, तत्काल देखने को मिलेगा। प्यारे दर्शकों, अयोध्या की पावन भूमि पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत वर्षों से कर रहा हूं, पुनः कर रहा हूं। और अप्रैल 18 से 25 के बीच हमारी यात्रा विदेश की बन रही, तो मैं रहूंगा नहीं, इस बीच कोई कॉल नहीं करेगा मुझे पर्सनली, हमारी बाकी सेवा यहां चलती रहेगी। प्यारे दर्शकों, इसका लाभ लीजिए, बाकी समय बड़ा कीमती होता है मेरे भैया लोग, ज्यादा इधर उधर इन चीजों में ज्यादा ना भटके। वन टाइम देखिए, जहां सत्य पाए वहीं जुड़े, जहां असत्य पाए उसको भी छोड़ें। अपने परिवार के ऊपर ध्यान रखो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो, अपने इष्ट के ऊपर, अपने कुल देवता के ऊपर ध्यान रखिए। आपकी जो कुल देवी हो, कुल देवता, उनको जरूर पकड़े, उनका स्मरण जरूर करिए, ठीक है, सब कल्याण होगा। बाकी जितना तंत्र मंत्र में पढ़ोगे उतने परेशान हो जाओगे। बाकी हमारी वीडियो पढ़ी है जो कि 10 जगह के प्रख्यात तांत्रिक मांत्रिक का समूह जो हमारे संस्थान के अंतर्गत रहकर यहाँ पर आप लोगों की सेवा अप्रैल 5 अप्रैल के अंदर देने वाला है, उसकी वीडियो पढ़ रही है, जरूर देखिएगा। ऐसी चमत्कारी वीडियो जो आप घर बैठे बड़ा लाभ ले सकेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।